अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर। आज वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 97 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वेब के अंदर इस वक्त हम डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, और डेवलपमेंट के अंदर हम लोग डेटाबेस को कुछ कंट्रोल करने का लास्ट टाइम काम किया था। डेटाबेस हमने बना ली थी, जैसे आप लोगों को मैंने कहा था बना के अपने पास स्टोर कर लीजिएगा, मैंने भी लास्ट टाइम ये बना के स्टोर कर ली थी। तो आज हम इसी डेटाबेस को कंटिन्यू करना चाहेंगे, अपनी फाइल के साथ कनेक्टिविटी कैसे की जाती है, उसको डेटाबेस कैसे कनेक्ट होती है, सर्वर कैसे कनेक्टिविटी होती है ताकि बाद में इसके अंदर डेटा ट्रांसफ़र हो सके। तो ये वाला काम करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी अपनी फाइल की। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या काम करना है जी, अपना XAMPP सर्वर लोड कर लेना है। XAMPP के कंट्रोल पैनल में चलते हैं, मेरा ऑलमोस्ट लोड ही होगा, ये देखिएगा जी, आपने ऐसी सर्विसेज को स्टार्ट कर लिया। उसके बाद ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं अपना क्रोम वाला, और यहाँ लिखते हैं जी अपने पास लोकल होस्ट, LOCAL लोकल होस्ट। लिखने के बाद अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट एंटर करते हैं तो जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा था ये मैसेज आता है, यहाँ से इंग्लिश यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद ये कुछ विंडोज़ आ जाती हैं, इसके अंदर यहाँ लिखा आता है PHP माई एडमिन। आप यहाँ क्लिक करेंगे तब भी एक ये वाली विंडो आ जाएगी, अदरवाइज़ आप ऊपर डायरेक्ट लिख दें लोकल होस्ट /PHP माई एडमिन, तब भी ये जो विंडो भी आई थी यही वाली विंडो हमारे सामने फिर से डिस्प्ले हो जाएगी जी। तो दोनों में से हम एक ही रिक्वायर्ड है, एक पेज मैंने क्लोज़ कर दिया। अब ये तो हमारे पास आ गया XAMPP सर्वर लोड होकर, आपने क्लिक करना है न्यू पे, एक डेटाबेस बनाना है, नाम देना है यहाँ पे दोबारा से, और ज़ेहन में रख लें नाम क्या लिखना है, जो आपने लास्ट टाइम डेटाबेस खुद बना के स्टोर की थी जो भी नाम है वही नेम आप F2 का बटन प्रेस करें, मतलब राइट क्लिक करके आप रीनेम करें, राइट क्लिक रीनेम, इसे कंट्रोल सी से कॉपी कर लें ताकि नाम का कोई हल्का सा भी इशू ना रह जाए, दोबारा लिख लें सबसे अच्छी बात है, नहीं लिख सकते तो नेम कॉपी करें। मैंने यहाँ पेस्ट किया ताकि हल्का सा भी डाउट ना रह जाए कि नेम में कोई फ़र्क तो नहीं आ गया। क्रिएट पे क्लिक किया, वो क्या कहता है जी हमें, क्रिएट डेटाबेस माई रिकॉर्ड इज एग्जिस्ट। अच्छा जी, यहाँ पर बेसिकली मेरे पास ये डेटाबेस पहले से मौजूद है, मे बी आपके पास भी ये पड़ी होगी, ये वाली डेटाबेस आपके पास भी अवेलेबल होगी। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक, अगर नहीं होगी ना यहाँ पे इस लिस्ट में आपका डेटाबेस का नाम ये वाला, तो क्रिएट हो जाएगा। अब क्योंकि हमने लास्ट टाइम यहाँ बना के ये वाली रखी थी, इसलिए वो कहता है कि ये वाली डेटाबेस नहीं है। अब आपके मजेर में ये आ रहा होगा कि जब डेटाबेस का नाम पहले ही मौजूद होना था तो आपने क्यों लिखा, तो उसकी रीज़न ये है कि अगर हम एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम के XAMPP में जाके अपनी वेबसाइट को डेटाबेस को लोड करवाना चाहें तब आपको न्यू में जाके डेटाबेस का नाम लिखना पड़ता है। अगर आपके सिस्टम में पहले से मौजूद है, आपने एक्सपोर्ट करके रखी हुई है, मतलब आप अपने सिस्टम्स में एक्सपोर्ट ना भी करें, इसने वहाँ पे स्टोर रहने रहना होता। अगर मुझे एक्सपोर्ट करनी पड़ी थी ताकि आपको समझा सकूं, तो मैंने उसे एक्सपोर्ट किया था। डेटाबेस बनने के बाद उसके नेम पर क्लिक किया, यहाँ हमने आज कोई टेबल नया क्रिएट नहीं करना, हम लोग क्या करेंगे आज डेटाबेस के नाम पे क्लिक किया, कॉन्सेप्ट फिर देख लें अच्छे तरीके से, लोकल होस्ट ओपन किया, आपके पास डेटाबेस का नाम अवेलेबल होगा। उस डेटाबेस के नेम पे एक दफ़ा क्लिक करने से ये क्रिएट टेबल लिखा आ रहा है, आपने आज कोई टेबल क्रिएट नहीं करना, कोई नाम नहीं देना, इंपोर्ट के बटन पर, इंपोर्ट के टैब पर क्लिक कर देना है। फिर कहते हैं चूज़ फाइल, कोई फाइल चूज़ करें, हम यहाँ से क्लिक करके बता देते हैं कि हमने डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ाइल स्टोर की है जिसका नाम है जी माई रिकॉर्ड डॉट, उसकी एसक्यूएल टाइप है। ओपन करते हैं इस फाइल को, और ओपन करने के बाद कुछ भी एंट्री किए बगैर सिर्फ गो पे एक क्लिक कर दीजिएगा तो आपकी जो लास्ट टाइम ये देखें इस डेटाबेस के अंदर जो टेबल था डेटा वाला वो आपके सामने हो चुका है प्रॉपरली लोड। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने लास्ट टाइम डेटाबेस बनाई थी वो डेटाबेस हमारे पास लोड हो चुकी है। यहाँ तक बात क्लियर होगी, ओके हो गया जी। अब आज की अपनी असल जिम्मेदारी क्या है कि हमें करना है कनेक्शन डेटाबेस का, सर्वर का, हमारी फाइल के साथ, ताकि हम वहाँ डेटा एंटर करें, इस डेटाबेस में वो डेटा आ सके। तो उसकी कनेक्टिविटी करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी सी कोडिंग की। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने एक अलग सी फाइल में काम किया है, मतलब कोडिंग आपको सिर्फ समझाई है, बाकी आपका जैसे दिल करेगा आप वैसे उसको ले कर चलिएगा। तो मैं एक फोल्डर, यहाँ मेरे पास sirmaji.com उसका नाम है, लिख लेता हूँ, और इसके इनर पे जाके एक फ़ाइल है उसको मैं इंडेक्स नाम लिखा होगा उसको ओपन कर लेता हूँ। ये कोडिंग आपने कहाँ करनी है,
जैसे हम लोगों ने फॉर्म के बाद दी थी सर रिकॉर्ड वाली फाइल, जहाँ पर आपके पास सारा आप डेटा रिसीव कर रहे थे कि यूज़र एंटर करता है डेटा अगली बेस पे जो डिस्प्ले होता है वहाँ आपने ये कोडिंग सारी करनी है। अच्छा जी, अब आपको डाउट थोड़ा सा और क्लियर मुझे कर देना चाहिए ताकि आपको पता हो किस फाइल में काम करना है। ये मेरे पास मैंने ओपन किया इस चीज़ को ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। ये था ना फॉर्म वाली फाइल, फॉर्म वाली फाइल के बाद जो रिकॉर्ड वाली फाइल थी आपकी, मैं वो भी ओपन करके समझा रहा हूँ आपको कि आपने कोडिंग ये करनी कहाँ पे है। मतलब हर वो पीएचपी की फाइल जहाँ पे आपने जहाँ से कुछ भी डेटा डेटाबेस से भेजना है या लेके आना है उसके लिए जो आज मैं कोडिंग करवाने लगा वो कोडिंग करनी पड़ेगी। जैसे देखें रिकॉर्ड वाली फाइल में जहाँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सारा कुछ आपने मंगवाया था, तो ये कोडिंग बेसिकली आपने यहीं ही कर देनी है अपने पास। तो मैं भी चले ये काम कर लेता हूँ आपकी खातिर, मैं भी ये सारा काम इसी में कर सकता हूँ, लेकिन ये काम मैं अगली बार अगले लेक्चर में करूँगा। यहाँ पहले आपसे समझ लें, बात आपको ऑलमोस्ट मेरी समझ आ चुकी होगी कि आपने कोडिंग ये करनी कहाँ पे है। अलग जिस कोडिंग जैसे मैं कर रहा हूँ आप ऐसे भी करके चेक कर सकते हैं अपना कनेक्शन, बाद में इसको शिफ्ट कर लीजिएगा अपनी फाइल में। तो मैंने एक पीएचपी नाम की फाइल बनाई, अब काम मेरा पास आज का मेन काम है क्या जी, ये देख सकते हैं डेटाबेस ओपन हो चुकी है आपके पास जिसका नेम है माई रिकॉर्ड। टेबल के नेम की मुझे फ़िलहाल अभी ज़रूरत नहीं है, इसकी बात बाद में करेंगे, हमें सिर्फ डेटाबेस का नेम रिक्वायर्ड है। अब आपने अपनी पीएचपी वाली फाइल में काम करना क्या है आज का? सबसे पहला काम एक वेरिएबल जिसका नेम मैंने रखा सर्वर, कि मेरा सर्वर जो है उसका नेम है लोकल होस्ट, मेरा सर्वर उसका नेम है लोकल होस्ट। उसके बाद जो ज़ैम्प होता है उसका जो यूज़र होता है, एक वेरिएबल क्रिएट किया मैंने पीएचपी में जिसका नाम है यूज़र, उसके अंदर वैल्यू स्टोर की गई रूट। रूट क्या है? जो हमारे ज़ैम्प का यूज़र नेम होता है, मतलब जब ऑनलाइन आप वेबसाइट कोई लेते हैं उनका सर्वर भी अलग वो आपको देंगे, कुछ का लोकल होस्ट भी लिखना पड़ता है हमें, कुछ जगह पर सर्वर नेम अलग होता है और वो यूज़र नेम वो खुद से आपको प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर हमारा ज़ैम्प है तो ज़ैम्प का यूज़र नेम क्या होगा? हमेशा रूट, ROOT, रूट। थर्ड, जब ऑनलाइन हम डोमेन वगैरह परचेज करेंगे वहाँ वो पासवर्ड भी हमें देंगे, हम अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़ैम्प है तो ज़ैम्प का पासवर्ड कुछ भी नहीं होता, डायरेक्टली ये वाली ऑप्शन काम कर रही होती जी आपकी। सर्वर, यूज़र, पासवर्ड, उसके बाद एक वेरिएबल क्रिएट किया मैंने जिसका नाम रखा डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर मैंने क्या चीज़ स्टोर कर ली? वो चीज़ स्टोर की जो हमारी उस फाइल का नाम, वहाँ पर हमारे इस जगह पर ये जो यहाँ पे डेटाबेस का आपने जो भी कोई नाम रखा होगा ना, माई रिकॉर्ड है, डेटा है, फाइल है, जो भी कुछ नाम होगा वो नेम आपने कहाँ रख देना? अगर लाजमी तौर पर इस जगह पर डेटाबेस के वेरिएबल में स्टोर कर देना उस चीज़ का नाम। तो मैंने यहाँ पे वो नाम भी लिख दिया। अब ये चारों चीज़ें हमारे सर्वर की यहाँ पर आ चुकी हैं। अब हमने क्या काम किया, एक कोडिंग की मैंने और आपके लिए, $CON शॉर्ट में लिखा, कनेक्शन का मैंने शॉर्ट लिखा $CON। और यहाँ मैंने क्या चीज़ डिस्प्ले करवाई, इसकी वैल्यू बराबर की MySQL। ये जो स्पेस नज़र आ रही है ये अंडरस्कोर का साइन है, बेसिकली अंडरस्कोर का साइन है, अंडरस्कोर का साइन यहाँ पे नज़र नहीं आपको आ रहा था कोडिंग में, यहाँ पे कुछ भी नज़र आ रहा था ये वाला, तो मेरे इस वक्त ये डिस्प्ले नहीं कर रहा होता। तो आपने क्या कर देना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करके ऊपर जो माइनस का साइन आता है उसको प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ, तो ये आपका अंडरस्कोर लग जाएगा। उसके आगे लिखा कनेक्ट, कनेक्शन में जाके MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद आपने काम ये क्या करना है जी, कलर बेसिकली मैं चेंज कर सकता हूँ बैकग्राउंड कलर, कहीं फिर कोडिंग का कलर ज़्यादा डिम सा हो जाता है हमें नज़र नहीं आती, तो ये ज़रा बेहतर वाइट बैकग्राउंड के ऊपर में सब टेक्स्ट नज़र आता है, इसलिए मैंने अभी तक वो चेंज नहीं किया हुआ जी। अब आपने करना क्या है, इस कनेक्शन नाम के वेरिएबल में स्टोर क्या करो, MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट, ये स्टेटमेंट है जैसे लिखी आ रही है ऐसे ही लिखनी है। पहले आपने बता देना अपना सर्वर, हमारा सर्वर था लोकल होस्ट जो हमने ऊपर लिखा ये वाला, तो उसका वेरिएबल क्योंकि वैल्यू आ चुकी है, आपने कहा पहले मेरा सर्वर कनेक्ट करें, फिर कोमा लगाने के बाद हमारा यूज़र नेम जो भी होगा ये कनेक्ट करें, फिर उसके बाद जो भी पासवर्ड है उसको कनेक्ट कर दें। कनेक्ट करने के बाद अब हमने चेकिंग करनी है क्या ये वाकई हमारा सर्वर कनेक्ट हुआ है कि नहीं कनेक्ट हुआ जी, अभी तक का हमारा सर्वर कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ, उसके लिए चेकिंग करवा देता मैं आपको।
नीचे वाली कुछ कोडिंग मैंने कमेंट्स किए जो उसके बाद बतानी है ताकि वो बीच में नज़र ना आए। अगर ये एक्सक्लेमेशन साइन का मतलब है नोट, अगर नहीं है बराबर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं, आपने डायरेक्ट पूछा अगर नहीं है कनेक्शन, मतलब ये वाली कोडिंग काम नहीं कर रही, अगर नहीं है कनेक्शन तो एको के ज़रिए मैंने हेडिंग के अंदर बड़ा सा करके डिस्प्ले करवाया कि सर्वर नोट कनेक्टेड। हम इसको हर जगह पे डिस्प्ले नहीं करते लेकिन आप लोग अभी सीख रहे हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने इसका मैसेज बड़ा करके डिस्प्ले किया है ताकि हमें पता लगे कि सर्वर कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। अगर नहीं है कनेक्शन तो सर्वर नोट कनेक्टेड आए, एल्स अगर है तो फिर सर्वर कनेक्टेड का मैसेज आना चाहिए। अब आपकी जो भी फाइल है, मेरी फाइल का नाम इंडेक्स है, ये मेरे सर माजिद के फोल्डर में अवेलेबल है, तो मैं इसको अपने ब्राउज़र के ऊपर लोड करके वेरीफाई कर लेता हूँ। लोकल होस्ट में जाएं, उसमें जाके सर माजिद का फोल्डर है जी, उसको लोड कर दें। जब उसको लोड किया सर माजिद .com तो था ही नहीं, सिर्फ सर माजिद नाम का फोल्डर है, .com नहीं है। तो अब इसे एंटर करके देखते हैं, लोकल होस्ट LOCALHOST होस्ट सर माजिद। अब मैं ज़रा अपना फोल्डर वेरीफाई कर लूँ, क्या फोल्डर का नाम सर माजिद ही है, सर माजिद .com है, ओके जी .com है जी, साथ .com लगाना पड़ेगा मुझे। .com लगा के मैंने एंटर किया तो वो कहता है जी कोई फ़ाइल मुझे फाउंड नहीं हो रही, मैं इसे एक दफ़ा कैंसिल करके दोबारा ट्राई करना चाहूँगा अपने लिए कि क्यों उसे मेरी फ़ाइल फाउंड नहीं हुई। अपने पास चलते हैं जी, ये हमारे पास htdocs है, उसके अंदर ये सर माजिद नाम का फोल्डर है। अब मैं अगेन ट्राई करना चाहता हूँ SIRMAJID.com, ओके जी स्पेल मेरे करेक्ट हैं। अब मैं एक बार फिर ट्राई करता हूँ, लोकल होस्ट में जाएं, सर माजिद .com को ओपन कर दें। ले जी, जैसे मैंने ओपन किया, मैं एक चीज़ पहले भी आपको लास्ट टाइम समझा चुका हूँ कि आप लोग अगर इस तरह कोडिंग आपको लगे कि काम होनी चाहिए, आप अपना ब्राउज़र बंद करके दोबारा लोड कीजिएगा, आपकी फ़ाइल आपको ठीक से डिस्प्ले दे देगी, अगर नहीं लगे नहीं आए तो। कहता है जी सर्वर आपका कनेक्टेड है, कि सर्वर तक हमने इस फाइल, जिस फाइल में मैंने कोडिंग की है उस फाइल का ताल्लुक सर्वर से जुड़ चुका है। एक चीज़ ले जी, एक काम तो हुआ हमारा डन, नीचे जो कोडिंग है इसको मैं एक्टिव कर रहा हूँ जो मैंने कमेंट्स की थी, और इसके अंदर मैंने ऐसा क्या काम किया हुआ है, एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम है DB, DB मतलब डेटाबेस, शॉर्ट मैंने लिखा कि डेटाबेस की कनेक्टिविटी करवाना चाह रहा हूँ। इक्वल इसकी कनेक्टिविटी के लिए स्टेटमेंट है MySQL_select_db। ये जो लिखा सिलेक्टेड एरिया, ये सेम आपने ऐसे लिखना है, पीछे जो db लिखा वेरिएबल का नाम वो कुछ भी रख सकते हैं आप लोग, लेकिन जो अभी लिखा मैंने MySQL_select_db डेटाबेस की सिलेक्शन करें। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर पहले नंबर पे आपने लिखना अपना वो वेरिएबल जिसके अंदर आपने डेटाबेस स्टोर की है, तो यहाँ पर ये वेरिएबल जिसके अंदर जो भी डेटाबेस का नाम है हमने स्टोर किया, तो मैंने अपना वेरिएबल ला के रख दिया इसके अंदर यहाँ पर। अब डेटाबेस आखिर है कहाँ पे, वो तो पड़ी हमारे सर्वर में, तो सर्वर का कनेक्शन हमने किस में स्टोर करवाया था, कोमा करके CON, हमने ये जो CON कनेक्शन किया था ना सर्वर का, तो डेटाबेस तो सर्वर में है, तो चेक करने के लिए मैं कि ये डेटाबेस है लेकिन है कहाँ पे, कोमा लगा के बोला इस कनेक्शन में जाके चेक करो कि ये वाली डेटाबेस है। अब इसकी भी वेरिफिकेशन हो गई कि अगर नहीं है डेटाबेस, अगर डेटाबेस ही नहीं है तो मैसेज डिस्प्ले करो डेटाबेस नॉट कनेक्टेड, और एल्स अगर है तो डेटाबेस कनेक्टेड का मैसेज हमें डिस्प्ले किया जाए। कंट्रोल एस करते हैं इस फाइल को, लोड करता हूँ मैं इसको F5 करके, तो ये देखिए जी मेरा सर्वर भी कनेक्ट हो गया, मेरी डेटाबेस भी कनेक्ट होगी। इसका मतलब आज की हमने इस लेक्चर में इस फाइल में ये चीज़ समझ ली कि हमारे पास हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है, सर्वर की कनेक्टिविटी हो चुकी है, अब सिर्फ हमें डेटा भेजना है अपनी उन फाइल्स में। अगर आपको यहाँ तक लेक्चर समझ आ जाता है, ये कोडिंग आपके सामने सारी क्लियर मैंने ओपन कर दी है, यहाँ तक अगर आपको कोई समझ आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे को टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड का, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, और साथ एक बेल के बटन पर क्लिक करने से फ़ायदा ये हो जाएगा आपको कि जैसे ही मैं लेक्चर अपलोड करूँगा आपको फ़ौरन से नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपको ये वाला लेक्चर मिल चुका है। तो सबसे पहले आप इसको लेक्चर को सीख सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, अच्छा लगे तो कमेंट्स करें, ना अच्छा लगे तब भी कमेंट्स करें ताकि मुझे पता लगे आपको अच्छा लग क्यों नहीं रहा, उसकी मुझे वजह जाननी है। तो इसलिए यहाँ तक का काम आप लोग प्लीज़ अपने अपने सिस्टम पर अप्लाई करें। नेक्स्ट काम मैं इसी कोडिंग को
ट्रांसफ़र करूँगा अपनी फ़ाइल में और डेटा को डेटाबेस में भेजने की हम करते हैं तैयारी। यहाँ तक के काम के बाद मुझे इजाज़त दीजिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी एक नए लक्ष्य के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़।